एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार। लुधियाना कोर्ट के ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में था शामिल। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड हिरासत में गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया में डिनेट किया गया। मूसेवाला के फैंस के डर के अमेरिका में भागा था। पालतू कुत्तों पर केमिकल वेपन की टेस्टिंग करता था उसामा, बेटे उमर ने कहा मेरी आंखों के सामने होता था एक्सपेरिमेंट। जापान ने उलट फेर किया जर्मनी बाहर, जापान ने स्पेन की 2-1 से हराया जर्मनी को, पीछे छोड़ नॉकआउट में पहुंचा स्पेन। सबसे असफल मेजबान कतर, 44 साल बाद ग्रुप स्टेज में बाहर हुआ मेक्सिको, रोनाल्डो ने रचा इतिहास। टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ बीजेपी से कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी खड़े हुए। कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर सांसद सत्यदेव पचौरी ने गंभीर सवाल खड़े किए। सांसद ने कहा कि इरफान सोलंकी अपराधी नहीं है, जल्दबाजी में बिना जांच के एफआईआर की गई, स्थानीय स्तर पर मामला जानबूझकर गड़बड़ाया गया है। कानून काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए कि जिस तरीके से आज ये अभी यहाँ से फरार हुए, आगजनी का एक छोटा सा मामला था और उसके बाद अभी उनके ऊपर जो फर्जी आईडी का मामला आया सामने, तो ये उनको क्या करना चाहिए था या ये सही है? ये कानून अपना काम, कानून सम्मत होगा तो सही है, गलत होगा तो गलत। हमने कहा कानून अपना काम करेगा। तो क्या एक जनप्रतिनिधि के साथ जिस तरीके से किया जा रहा है बर्ताव, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? जो न्याय संगत होगा, जो कानून से अनुसार होगा वही होगा, हमारी सरकार कानून के अनुसार चलती है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। उपेंद्र, देखा जाए तो सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ बीजेपी सांसद खड़े नजर आ रहे हैं, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है अभी? के जो कानपुर के सांसद है सत्यदेव पचौरी, आज वो देखा जाए तो जो मीडिया के माध्यम से उन्होंने उनका परिवार इरफान सोलंकी जो परिवार है वो उनसे मिला, पर कहीं ना कहीं बयान देखा जाए पचौरी जी सांसद जी के बयान देखा जाए तो पूरी तरीके से सपा विधायक को बचाने की पूरी उनकी जो भारत शैली पूरी तरीके से है। उन्होंने सत्यदेव पचौरी का साफ कहना है कि जो इरफान सोलंकी विधानसभा सदस्य हैं, अगर मुकदमा लिखा गया था वो 4 बार के विधायक रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर पहले जांच करनी चाहिए उसका मुकदमा, अगर मुकदमा लिख भी गया है तो बिना जांच के इस तरीके से पूरी हरकत में आना बहुत बड़ा सवाल निशान उठता है। पर कानपुर कमिश्नरेट को देखा जाए, कहीं ना कहीं हाल ही में कल ही इरफान सोलंकी के मामले में सुनवाई होनी थी, उसके देखा जाए तो उनके वकील जो नरेश सिंह त्रिपाठी हैं वो 1-2 दिन का उन्होंने टाइम लिया था, उसके बावजूद देखा जाए कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, क्योंकि कोर्ट में जो है कल की डेट में जो 82 की नोटिस इस पर के आदेश ले आए हैं, हो सकता है कि आज इरफान सोलंकी घर के बाहर जो है मुनादी रहेगी। देखा जाए तो उपेंद्र, जिस तरीके से सपा विधायक के साथ लगातार बीजेपी सांसद खड़े नजर आ रहे हैं, सियासत की नजर से किस तरीके से इसको देखा जाए? जी, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सियासत में देखा जाए तो सपा, क्योंकि भाजपा जो नेता है वो सपा विधायक को बचाने में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो सांसद जो कानपुर के हैं उनके पास पीड़ित परिवार से पहुंचा था, और सांसद जी का साफ कहना है कि रिजवान सोलंकी जो है वो अपराधी है पर इरफान सोलंकी अपराधी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा के जो नेता है वो बचाने को लगे हुआ। अभी सूत्रों से पहले खबर जब जिस दिन इरफान सोलंकी जो है देखा था एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज निकला था, उसमें कहीं ना कहीं खबर आई थी सूत्रों द्वारा कि इरफान सोलंकी सपा विधायक सभा छोड़ करके भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा है तो हो सकता है कि बड़ी बात नहीं है कि इरफान सत्यदेव पचौरी जो हो सकता है कि भाजपा में सम्मिलित कराए इरफान सोलंकी को। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। लखनऊ के प्रेस क्लब में रखते भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय किसान संघ की तरफ से 19 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में गर्जनी रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में यूपी से लगभग 1 लाख किसान शामिल होंगे। कहा कि भारतीय किसान संघ का नारा रहा है कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। आज देश खाद्यान्न में
आत्मनिर्भर बन चुका है। हम विदेशों में खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं, लेकिन किसान जो फसल उगाता है कड़ी मेहनत के बावजूद उसको अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य अभी तक नहीं मिल रहा है। सुल्तानपुर में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है। बता दें कि नगर विकास विभाग ने प्रदेश के 48 जनपदों के निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी कर दिया है, जिसमें सुल्तानपुर का भी नाम शामिल है। वहीं नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात ने बताया कि 48 जनपदों के निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी किया गया है और कहा कि शेष जनपदों के निकायों के वार्डों का आरक्षण भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। जिन जनपदों के निकायों के लिए वार्डों का आरक्षण जारी हुआ है उनमें शाहजहांपुर, अमरोहा, अमेठी, अयोध्या समेत कई जिले शामिल हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष, निकाय को वार्डों का आरक्षण जारी कर दिया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आरक्षण जारी कर दिया गया है। ये 7 तारीख तक जो है टाइम दिया गया है जिला स्तरीय से मिलने के लिए, और इसमें जो है 4 नगर पंचायतों का जो है भी आदेश हो गया है। लंबुआ, कोहरीपुर, कारीपुर, दोस्तपुर, ये सब जगहों का जो है चुनाव जो है आदेश हो गया है। आगे जो है 7 तारीख के बाद ही जो है निर्णय लिया जाएगा किससे का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय केंद्रीय भंडार द्वारा 135 ब्रीथ अल्कोहल एनालाइजर खरीदे गए और समस्त क्षेत्रों को ब्रीथ अल्कोहल एनालाइजर पूर्व में मांग के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि संजय कुमार प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में समस्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्र प्रदेश मार्गों पर वाहनों के चालकों का परीक्षण करेंगे। इसके साथ ही शराब की पुष्टि होने पर नियमानुसार सख्त अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में कोतवाली पारा क्षेत्र के अंतर्गत हंसखेड़ा चौकी क्षेत्र व मोहान रोड चौकी क्षेत्र में आउटर रिंग रोड सालों से निर्माण के ही नजर आ रहा है। बता दें कि 2016 से इस आउटर रिंग रोड का फाइलों में ही काम हो रहा है, जबकि खादानों की मिट्टी को प्राइवेट सेक्टरों में बेचा जा रहा है। काफी तहात में मिट्टी से भपे डंफर फराटे भरते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर जिला महिला अस्पताल में 2.5 साल की बच्ची गायब हो गई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही सीओ सदर, नगर मजिस्ट्रेट, भारी संख्या में पुलिस तैनात है और खोजबीन की जा रही है। अगल बगल की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन है आपकी? ये हमारी बड़ी लड़की। ये कहां भर्ती थी? यही महिला महिला अस्पताल। बच्ची कब गायब हुई, कैसे गायब हुई, जानकारी है आपको? 3 बजे इनको जब ऑपरेशन रूम से बाहर किए कि इनका खांसी आ गया, ऑपरेशन नहीं होगा, इनको ले जाओ, खांसी के जब लगेगा आराम होगा तब करेंगे। तो जब इनको लेकर आए तो वो बच्ची बेड से उठा कर इनके बच्ची के बुआ दूसरे बेड पर लेटा है। हम इनको ये हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, तो इनको हम संभालने लगे और बच्ची को हम और आपने बच्ची गायब। आज हमारे एक पेशेंट एएमसी वाली थी, अब उनका जो है 2.5 साल का बच्चा जो है घूम गया है, इसकी सूचना दे दी पुलिस ने। और सीसीटीवी खराब है, इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारियों को दिया था? कब से खराब है? इधर 10-15 दिन से खराब है। 15 दिन में इसकी सूचना आपने किसी को दिया, अपने अधिकारियों को? इसको ठीक करवाने के लिए कोई कोशिश करी आपने? नहीं, इसको ठीक कराने की मैंने कोशिश की तो उसका एक भी नहीं ठीक हुआ। इसको मैंने अभी ठीक कराने की कोशिश की। कितने ठीक हो गए मैम? अभी समय
रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज पुलिस चौकी इंचार्ज का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। बता दें कि एक प्रेमी जोड़े की पुलिस चौकी ने ग्राम प्रधान की मदद से परिवार से बातचीत की और दोनों की शादी करवा दी। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने बाराती बनकर प्रेमी युगल को आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत उपस्थित लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। ये शादी चर्चा का विषय बना हुआ है। औरैया में ग्राम देईपुर के समीप आवारा जानवर की चपेट में आकर दोपहिया सवार तीन लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं दो लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज अपना करवा रहे। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएससी चिकित्सक के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और घायलों का इलाज जारी है। लगभग 6:30 बजे एरवा कटरा से एक बाइक पर तीन व्यक्ति सवार होकर के देईपुर गांव की तरफ सौरिक की तरफ जा रहे थे। देईपुर गांव के पास एक सांड के टकराने के वजह से तीन व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई। दो व्यक्तियों को एरवा कटरा पुलिस एरवा कटरा सीएससी पर ले आई, जिसमें बाद उपचार उनको परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, घर रवाना किया गया। मृतक का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम है तो मर्चरी रवाना। रायबरेली के शिवगढ़ में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बता दें इस क्षेत्र में कई लोगों को अब तक बंदर अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं पर जब ग्राम प्रधान से मीडिया कर्मियों ने बात की तो ग्राम प्रधान ने बताया कि वन विभाग की टीम को सूचित कर दिया गया था। मौके पर आकर कुछ भगाने के तरीके बताकर चले गए। साहब यहाँ बंदर बहुत परेशान कर 20 आदमी घायल कर चुके हैं। इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी? हाँ जी। और किसको दी है? और से इनका वन विभाग वाले ने कहो। क्या कहा वन विभाग अधिकारी ने? आए देख लिया, चले वापस भाई बैठे हैं। अच्छा हाँ, कुछ आश्वासन नहीं दे के गए? कहते हैं इनको भगा देंगे। अच्छा हाँ, भगा देंगे या भगाएंगे? हाँ कर भगा देते। दी कहाँ की रहने वाली? बाजतपुर। क्या हुआ है? बंदर काटा। कब काटा? 10 रोज है भैया काटे। अच्छा, प्रधान जी आपका नाम क्या है? मैं ग्राम प्रधान दिल्ली प्रतिनिधि राकेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। क्या मामला है यहाँ? मामला यह है कि हमारी गांव सभा में वाजिदपुर गांव में बंदरों का आतंक प्रतिदिन जारी है और वो पूरी तरह से आदमी महिला पुरुषों पर हावी हो जाते हैं। बच्चे भी विद्यालय नहीं जा पाते। गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने ट्रक और स्कॉर्पियो गाड़ी की जोरदार टक्कर में सड़क पर चल रही एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती को स्थानीय लोगों द्वारा निजी अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर ने शराब के नशे में रॉन्ग साइड की तरफ घुसा दी, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हो गया। महिला की कंडीशन काफी सीरियस बनी हुई है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस जाँच में जुट गई है। देखिए पहले तो डंपर वाले उधर से आ रहे थे, रॉन्ग साइड आ रहे थे, पहले तो खंभे में मारे, उसके बाद रॉन्ग साइड मैं मार रही थी एक पैदल, फिर वहां से आकर के मैम को मारा, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो में मारा। मैम को जो है ज़्यादा चोट है, बाएं हाथ तो एक बिल्कुल ही ख़त्म है और सर में यहां से यहां तक पूरा फट गया है, बाकी बहुत सीरियस है। हमने खुद उनको अस्पताल ले जाकर के उनको एडमिट करा करके अभी आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल अभी 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 क्या मामला? पुलिस मौके पर पहुंची? हाँ, पुलिस मौके पे आई है। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया? ट्रक ड्राइवर हिजाजत में है उनके। अच्छा, क्या ट्रक ड्राइवर जो है वो रॉन्ग साइड में आ रहा था? हाँ, रॉन्ग साइड आ रहा था, रॉन्ग साइड आकर के मारा है वो ट्रक। ये जो ट्रक वाला है जी, इसने शराब पी हुई थी जी, और ये इधर की साइड से आया था। इसने एक लेडी को टक्कर मारी है, एक गाड़ी को मारी थी पीछे टक्कर, उसका हाथ कट के नीचे गिर गया लेडी का और सिर में भी चोट आई है। फिर ये यहाँ पे रॉन्ग साइड आया है और रॉन्ग साइड आके इसने इस गाड़ी को टक्कर मारी है जी। सुनाई में आया कि एक युवती को भी टक्कर मारी है जो घायल हो गई है। घायल हो गई, जो सिर पे चोट है और हाथ कट के नीचे गिर गया है। सब बता रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कानपुर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेकिन अभी तक कानपुर शहर सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। सड़कों में बने गड्ढों में गिरकर वाहन सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए किया गया पैचवर्क भी सही तरीके से नहीं हुआ। बता दें कि कई सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया पर कई जगहों पर अभी भी सड़कों का बुरा हाल है। तो वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि जिन सड़कों पर पैचवर्क नहीं हुआ है उन्हें तत्काल मुक्त कराया जाएगा। कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की तो कानपुर जिला प्रशासन पूरी तरह धज्जियां आता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का आदेश था कि 30 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करना था, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानपुर नगर निगम और कानपुर लोक निर्माण विभाग PWD ने जैसा कि देखा है तो 127 किलोमीटर के पेचवर का दावा ठोका था, पर वो देखा जाए कहीं ना कहीं 9 करोड़ रुपये का जो टेंडर था वो टेंडर पूरी तरीके से बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। गड्ढा जो है किस तरीके से देखे, गड्ढा जो पूरा बना और रोड जो है पूरी तरीके से रोड जो है जो देखा जाए नगर निगम कागज या PWD पूरी तरीके से बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे रोड पर देखिए किस तरीके से लोग ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से बिल्कुल यातायात बिल्कुल बाधित रहता है। उसके बाद देखा जाए गड्ढा मुक्त जैसे कई हादसे भी यहाँ हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम जो दावे 127 किलोमीटर के दावे हैं वो पूरे दावे जो हैं पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरा देखा जाए टेंडर जो प्रस्तावित हुआ था जो कानपुर पेचवर का वो 9 करोड़ रुपये का टेंडर था जिसमें 127 किलोमीटर का जो दावे देखे जाए तो पूरे दावे पूरी तरीके से फेल है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम केवल कागजों में घिरी जा रही है। हमारे साथ क्षेत्र के 2-3 लोग हैं, वो बताएं किस तरीके से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश थे गड्ढा मुक्त करने का उसमें क्या देखा, क्या है पूरा हकीकत? गड्ढा मुक्त रोड हो जाती हैं लेकिन आए दिन इन रोडों पे बहन बेटियां जो डिलीवरी के लिए जा रही होती हैं अगर इन रोडों से निकलें तो कहीं ना कहीं उन बेटियों की या तो मृत्यु हो जाती है या रोड पे ही डिलीवरी हो जाती है। आए दिन मोटरसाइकिल कार वालों के एक्सीडेंट होते हैं, गिर के घायल होते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं अधिकारियों और ठेकेदारों के मिली भगत है जो घोटाले हो रहे हैं। आप चाहे डेंगू के नाम पर ले लें, चाहे मलेरिया के नाम पर ले लें, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई फॉगिंग नहीं हो रही, कोई कीटनाशक दवाएं नहीं डाली जा रही हैं, जगह जगह खुले नाले पड़े हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारे साथ जो क्षेत्रीय लोगों ने साफ कहना है कि जो सरकार है, जो सरकार के वादे हैं वो पूरी तरीके से धरातल स्तर पर है। कैमरा सागर साथ उपेंद्र साना कानपुर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।